रिंग IEEE एक स्टैंडर्ड टोकन रिंग डिफाइन करता है, और हम टोकन रिंग में देख चुके हैं कि देर आर स्टेशंस विच आर कनेक्टेड इन अ फैशन ऑफ रिंग, और यू कैन से अ रिंग टोपोलॉजी। हम इस रिंग टोपोलॉजी में यहाँ एक चीज जो बहुत इंटरेस्टिंग है वो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी स्टेशन है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली बात ये रहती है कि ये यूनिडायरेक्शनल है। अगर यहाँ पे इस तरीके से अगर इनके एड्रेसेस हैं तो ये ए जो है इसी डायरेक्शन में डेटा भेज सकता है। हम इनमें प्रायोरिटी भी सेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ है जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है, एंड दैट इज टाइम लिमिट। सी आइदर टोकन विल रिवॉल्व ओवर द टोकन रिंग और अ डेटा फ्रेम विल रिवॉल्व। दोनों ही केसेस में आपके पास, हमने फ्रेम फॉर्मेट स्ट्रक्चर जो है वो देख लिया है कि टोकन एक 3 बाइट का जो है आपका एक प्लेस होल्डर टाइप एक पर्टिकुलर एक फ्रेम होता है जो कि इस पर रोटेट करता है, और साथ ही साथ अगर हम पूरे डेटा फ्रेम की बात करें तो पर्टिकुलर स्टेशन पहले टोकन को ग्रैब करेगा और फिर उसको भेजेगा। बट आइदर अ टोकन और अ डेटा फ्रेम मस्ट बी प्रेजेंट। अब हम मान लेते हैं कि कोई भी डेटा जो है अगर वो ट्रेवल कर रहा है इस पे ए से बी की तरफ या बी से सी की तरफ, या तो टोकन ट्रेवल कर रहा है, तो दोनों ही केसेस में देयर इज अ टाइम लिमिट कि हर स्टेशन, एवरी स्टेशन नोज, कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेशन है, या तो वो ग्रैब करेगा टोकन या तो वो क्या करेगा डेटा फ्रेम को भेजेगा। इन बिटवीन देयर इज ऑलवेज अ कंडीशन दैट हर स्टेशन को पता है कि या तो इतने पर्टिकुलर टाइम में, दैट टाइम इज डिफाइंड, उस पर्टिकुलर टाइम में आपके पास या तो डेटा फ्रेम आएगी या तो एक टोकन आएगा। मीनवाइल अगर ये टाइम लिमिट हमने सब स्टेशंस पे सेट कर दी है, हम इसके पहले एक मॉनिटर स्टेशन भी देख चुके हैं। इस मॉनिटर स्टेशन की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इफ़ देर इज़ अ फेलियर इन द टोकन मैनेजमेंट, इट मीन्स द टोकन इज डिस्ट्रॉयड बाय द नॉइज, और टोकन इज नॉट रिलीज और नॉट रीजनरेटेड बाय एनी स्टेशन, तो इस तरीके की सिचुएशन को हैंडल करता है। बट एनी स्टेशन कैन सेंस दिस टाइप ऑफ सिचुएशन बिकॉज देर इज ऑलवेज अ टाइम लिमिट इन बिटवीन। अगर ए से बी को आने के बीच में इस दौरान कोई पर्टिकुलर टाइम टी अगर रिक्वायर्ड है, तो हर स्टेशन को पता है कि आइदर इन दिस टी टाइम आई विल गेट अ टोकन और आई विल गेट अ डेटा फ्रेम, या तो मुझे ये मिलेगा या ये मिलेगा। इन सिचुएशंस लाइक जब टोकन डिस्ट्रॉय हो जाता है या डेटा फ्रेम लॉस्ट हो जाती है, दोनों ही सिचुएशन में एवरी स्टेशन ऑन दिस, ये पर्टिकुलर जो हर पूरा का पूरा स्टेशन है, सबको पता चल जाता है कि देर इज सम प्रॉब्लम और सम इश्यूज विच इज रिलेटेड विद द टोकन और डेटा फ्रेम इज हैपन्ड ओवर द रिंग। ये एक तरीके का अलार्मिंग सिचुएशन है या अलर्ट सिचुएशन है, क्योंकि हर स्टेशन जो है आपस में इंटरलिंक्ड है और उन्हें पता होता है कि यहाँ पर मेरे पास दोनों में से एक चीज़ आनी चाहिए। अगर नहीं आती कोई टाइम, अगर टी के बाद उसको नहीं मिलती है, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, और तब स्पेशली अगर इसमें से कोई मॉनिटर स्टेशन डिफाइंड है तो वो एक्टिवली उस सिचुएशन को हैंडल करता है, या अगर नहीं भी होता है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, फिर से रीसेट कर सकते हैं सिस्टम को कि आप इसको फिर से इनिशियलाइज कर लें क्योंकि देर इज अ प्रॉब्लम, टोकन वॉज नॉट अवेलेबल। सो दैट कैन बी सेंस्ड बाय एनी स्टेशन विद द हेल्प ऑफ दिस टाइम लिमिट। हमारे पास टाइम लिमिट जैसी चीज हमने सेट कर रखी है, सब में टाइमर्स लगे हुए हैं, सो वो टाइमर के हेल्प से दे कैन फाइंड आउट कि यहाँ पे कोई ना कोई फॉल्ट जो है वो आ चुका है। तो ये एक तरीके का फॉल्ट आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है जो स्टेशंस को दिया गया है।